हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि डबल शटल मशीन की हम ऑयलिंग कैसे करते हैं और ऑयलिंग करना क्यों ज़रूरी है, ऑयलिंग करने से क्या होता है ये देखेंगे। तो हमारी मशीन ये डबल शटल की मशीन है, स्वागत कंपनी की मशीन है। आपके पास जिस भी कोई कंपनी की मशीन है तो उस मशीन में ऑयलिंग भी करना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन है तो ऑयलिंग का बेस इस बेस के नीचे की तरफ आता है, लेकिन सिंगल शटल या डबल शटल के मशीन में ऑयलिंग करने के लिए अलग अलग पार्ट्स आते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे हमें ऑयल करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा देर तक ऑयलिंग नहीं करते हैं मशीन में तो थ्रेड ब्रेक होने की समस्या बहुत आती है, बहुत स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। स्टिचिंग में स्टिच जो हम करते हैं उस पर हमें श्रिंक आ सकता है, तो इसलिए हमें मशीन की ऑयलिंग टाइम से करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप टाइम से मशीन पर ऑयलिंग डालते हैं, ऑयल करते हैं, तो हमारी ये मशीन जो है वो बहुत स्मूथ चलेगी और थ्रेड टूटने की या फिर स्टिच ओपन होने की या स्टिच श्रिंक होने की समस्या कभी नहीं आएगी। तो हमने ये देखा कि ऑयलिंग करना क्यों ज़रूरी है। ऑयलिंग अब हम आगे बताएंगे कि ऑयलिंग कहाँ कहाँ पे हमें ऑयल डालना पड़ता है सिंगल शटल और डबल शटल के मशीन में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो ज़रा भी नॉलेजेबल लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो ऑयलिंग करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमारा स्टिचिंग में फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से आए और हमारी मशीन चलने में भी बहुत स्मूथ चले, हार्ड ना चले और मशीन बिल्कुल भी आवाज़ ना करे। अगर ऑयलिंग समय पे नहीं किया तो मशीन में आवाज़ बहुत आने की समस्या होती है और डिस्टर्ब भी बहुत होता है, मशीन की आवाज़ से सर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें टाइम से हमें अपने मशीन को ऑयलिंग करना चाहिए। तो मशीन को ऑयलिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी है हमें ऑयल। तो ऑयल हमें हमेशा इस बॉटल में या बड़े वाली बॉटल में भी मिलता है। आपको हमेशा यूज़ करते समय मशीन को ऑयल ही यूज़ करना है। कोई कोई लोग नारियल तेल का भी यूज़ करते हैं, उसका क्या प्रॉब्लम होता है, नारियल तेल अगर हम यूज़ करेंगे तो मशीन में जो विंटर में हमारे मशीन के अंदर वो ऑयल जाके ऑयल जमा होने की समस्या आती है और मशीन अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए हमें हमेशा मशीन में डालने वाला ऑयल ही यूज़ करना है। लगभग ऐसी बॉटल में ऑयल मिलता है, बड़ी वाली बॉटल में भी ऑयल मिलता है। ये ऑयल की बॉटल लगभग 30 से 35, तो ये बॉटल आपको हमेशा यूज़ करना है। मशीन का ऑयल ही आपको यूज़ करना है। देखो इस पे भी प्राइस लिखा है, 35 रुपीज़ का बॉटल है ये पूरा, इसके अंदर ही आपको ऑयल यूज़ करना है। इस पे इंस्ट्रक्शन भी दिए है कि ये ऑयल हमें कहाँ कहाँ पर या किस किस चीज़ों पर उपयोगी आता है। तो ये ऑयल से हमें अपने मशीन को ऑयलिंग करना है। तो अभी देखते हैं ऑयलिंग कहाँ कहाँ पे करना है। जब हमारा वर्किंग स्टार्ट होता है या हम कुछ भी स्टिच करते हैं तो हमें ऑयलिंग इस वाले होल में हमें ऑयलिंग करना है। ये वाला ऑयल है तभी हमें ये वाले होल में हमें ऑयल करना है। सिर्फ स्टिचिंग के समय हमें इस पर ऑयल करना है। अगर आप स्टिचिंग करते समय अगर यहाँ पर या यहाँ पर ऑयल करेंगे तो यहाँ से हम ऑयल नीचे की तरफ आता है, तो स्टिचिंग में यहाँ पे नीचे की तरफ ऑयल आने की वजह से फैब्रिक में या कपड़े में कुछ भी हम स्टिच कर रहे हैं उस पे ऑयल गिरने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें यहाँ पे ऑयलिंग नहीं करना है। यहाँ पे ऑयलिंग हमें सिर्फ उस टाइम करना है जब हम वर्क कुछ भी नहीं कर रहे होते या फिर हमें अब रात में सोने जा रहे हैं तो सोने के पहले हमें यहाँ पर ऑयलिंग करके मॉर्निंग में मशीन को अच्छे से क्लीन करके फिर हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑयलिंग हमें मशीन जब हम स्टार्ट करते हैं या हम कुछ भी स्टिच करते हैं तब सिर्फ यहाँ पे हमें ऑयलिंग करना है, बाकी के समय हमें सारी जगह पे ऑयलिंग करना है। तो अभी देखेंगे कहाँ कहाँ पे ऑयलिंग करना है। एक यहाँ पे ऑयलिंग करना है, इसके बाद हमें ये होल दिख रहा है, इस होल में हमें ऑयलिंग करना है यहाँ पर, फिर जो ये दो होल दिख रहे हैं यहाँ पर ऑयलिंग करना है, यहाँ पर ऑयलिंग करना है, फिर ये होल है यहाँ पे ऑयलिंग करना है। देखो यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे हमें ऑयल डालना है, फिर इस साइड पे हमें मशीन के इस साइड पे हमें दो होल और दिखेंगे, उसमें भी हमें ऑयल डालना है।
ऑयल हमें उतना डालना है जितना हमें ज़रूरत है, 2 से 3 ड्रॉप तक ही हमें ऑयल डालना है, बहुत भी ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, नहीं तो हमें बहुत मशीन में ऑयली ऑयली हो जाएगी। बैक साइड पे मशीन पे हमारा ये एक शटल भी आता है, तो ये ऐसे ओपन नहीं होता है, तो इसको हमें, ये स्क्रू को हमें थोड़ा सा लूज़ करके यहाँ पे हमें ऑयलिंग करना है। इस पॉइंट में हमें ऑयलिंग करना है अंदर की तरफ से। उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी हमारे मशीन में होल्स दिखेंगे, देखो यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे हमें ऑयलिंग करना है, इस होल में ऑयलिंग करना है। यहाँ पे 3 होल है, ये यहाँ पे भी एक होल है और यहाँ पे भी एक होल है, यहाँ पे हमें ऑयलिंग करना है, देखो ये होल में। उसके बाद हमें ये ओपन करके इसके अंदर जितने भी पार्ट्स है उसके अंदर भी हमें ऑयलिंग कर लेना है अच्छी तरफ से। यहाँ पे ऑयलिंग डालना है। अगर आपका प्रेशर फूड बहुत हार्ड है ऊपर नीचे करने में ऐसे, तो यहाँ पे भी हमें ऑयलिंग करना है, यहाँ पे ऑयलिंग करना है, जिसे हमारा ये प्रेशर फूड जो है बहुत ही आसानी से वर्क करने लगेगा। तो देखो इसके पीछे की तरफ भी एक होल है, यहाँ पे भी हमें ऑयलिंग करना है। तो ये हमारा ऑयलिंग का पार्ट हो चुका है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑयलिंग कहाँ कहाँ पे करना है। अभी मैं आपको इस वाले बॉटल से, इसमें ऑयल है जो मार्केट में बहुत ही इजी तरीके से मिल जाता है, या आपको किसी भी शॉप में या मशीन के मटेरियल जहाँ पे भी मिलता है उसके शॉप में आपको ये ऑयल मिल जाएगा। तो यही ऑयल आपको यूज़ करना है। यहाँ पे 1-2 ड्रॉप डाल के हमें यहाँ पे भी 1-2 ड्रॉप डाल देना है। फिर इसको ओपन करके हमें इसके अंदर भी 1-2 ड्रॉप ऑयल को डाल देना है। अगर आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप मशीन को ऑयल करेंगे तो आपकी मशीन बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी, आपके मशीन को रिपेयर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी मशीन बहुत भी हार्ड चलती है तो आप ऑयलिंग करके आप ट्राई कर सकते हैं। ऑयलिंग के समय हमें, ऑयलिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी मशीन कितनी स्मूथ वर्क कर रही है। अगर आप समय समय पे हमारे मशीन को, आपके मशीन को वर्किंग में लाने के लिए, अच्छे तरह से वर्किंग में लाने के लिए ऑयलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे से वर्क का फिनिशिंग भी आता है और आपको ऑयलिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही इजी तरीका है ऑयलिंग करने का, बहुत ही आसान तरीका है। आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे, मशीन के नीचे की तरफ भी आप ऑयल कर सकते हैं। मशीन को ऐसे ऊपर से ओपन कर लेना है और यहाँ पे भी एक होल दिख रहा है वहाँ पे, और ये जो शटल्स है यहाँ पे हमें ऑयलिंग कर लेना है। बस इतना ही हमें ऑयलिंग कर लेना है अपनी मशीन में। तो मशीन का ऑयलिंग हो चुका है। इसको हमें रात भर या एक दिन ऐसे ही छोड़ना है, कुछ भी वर्क नहीं करना है इसके ऊपर ऑयलिंग करने के बाद, नहीं तो पूरा ऑयल हमारे कपड़े के ऊपर लगने, पूरा ऑयल कपड़े के ऊपर लगने का चांस बहुत है, तो बहुत ही कपड़ा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको वर्क करना टालना है। ऑयलिंग के 1 दिन बाद हमें ऐसे ही विदाउट थ्रेड के और विदाउट कपड़े के हमें मशीन थोड़ा सा वर्क करना है, और उसके बाद अच्छे से मशीन को क्लीन करके फिर हमें मशीन को यूज़ करना है। ऐसे हफ्ते में 1-2 बार आपको करने से आपकी मशीन बहुत ही अच्छे से वर्क करने लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।